हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम छोटे अब्बा जी। हाँ जी अब्बा जी। ओए 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 अब्बा जी। ओए 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 अब्बा जी। ओ सालिया दसवीं होया कि ये अब्बा जी वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बेटा तुम्हारे बाद भी अभी कुछ होना बाकी था। अब्बा जी फंस गई है। क्या फंस गई है अब्बा जी? वो फंस गई है। बेटा क्लियर बताओ ना क्या चीज फंसी हुई है, क्योंकि काफी चीजें फंस सकती है। जिस तरह तुम्हारी फूफी की कमेटी फंसी हुई है, अशरफ का रिश्ता फंसा हुआ है, सलीम की कल से टट्टी फंसी हुई है, इसलिए बेटा इट इज मैंडेटोरी टू हैव अ क्लैरिटी। अब्बू जी पान ने ना यहाँ पे कुड़ी फंसा ली है। हैं? उसने लड़की फंसा ली जी अब्बा जी। शहजादा लगा मेरा पुत्र। अब्बू जी मेरा मतलब तू क्यों रो रहा है? मेरे से क्यों नहीं फंसती? बगैरत किधर है वो, मेरी बात करो उससे। अब्बू जी वो ना उसको डेट पे लेके गई हुई है। ठहर जा यदि आज मेरे हाथों लिखी है। अब्बू जी बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बा जी आने वाले टाइम पे आ जाती है, अभी तो मैं गाड़ी चला रहा था। जलील इंसान, अब्बे के सामने जबान चलाते हो? अब्बे नु गल्ला यानी कि अपने जाती अब्बू को बातें, यानी कि ओरिजिनेटर ऑफ दी फाइनल प्रोडक्ट के साथ ये सलूक। ओहो अब्बा जी हुआ क्या है? मैंने सुना है फंस गई है। अब्बा जी क्या फंस गई है? बेटा मुझे सच सच बताओ फंसी है कि नहीं फंसी? अब्बा जी क्लियर बताएं ना क्या फंस गई है, क्योंकि काफी चीजें फंस सकती हैं। जिस तरह फूफी की कमेटी फंसी हुई है, अशरफ का रिश्ता फंसा हुआ है, सलीम की बचपन में टट्टी फंस जाती है। ओए तुमने उधर जाके कुड़ी फंसा ली है? जी अब्बू जी। शहजादा लगा मेरा पुत्र। अब्बा जी मेरा मतलब बेहया बेहदता, हमने तुम्हें उधर मेहनत मजदूरी के लिए भेजा था, तू कहने काम लाग गई है। स्पीकर खोल के मेरी उससे बात करो। अब्बा जी नहीं करा सकता, वो जरा उसके बोलने का मसला है। बोलने में मसला है? बेटा लड़की फंसाई है कि ममनून हुसैन के साथ फंस गई हो? गल करा मेरी ओदे नाल। जी अच्छा। हेलो अंकल जी, हाउ आर यू? अब बेटा छोड़ो ये अंग्रेजी वंग्रेजी, अपनी सोनी मिठी जुबान में बात करो। पता लगे हमारे बच्चे बाहर जाके ना अपनी बैकग्राउंड को बिल्कुल नहीं भूले हैं। शाबा बेटा अपनी जुबान से गल कर। चल भाई। ओके। हेलो अंकल, ये वीडियो करेंगे स्टार्टिंग ला। बेटा जी ये क्या था? क्यों अबू जी क्या हुआ? मैंने क्यों महसूस होया कि मेरी किसी ने माँ बहन कर दी है? ओ नहीं अबू जी ऐसी बात नहीं है। उन्नो चलूंगा ये बड़ी अल्लाह नड़क दे। और फिर वही। ओ नहीं अबू जी वो बात नहीं है। उंगल तो ओनबू ये बड़ी अरक दे। यार मुझे अपनी बिस्ती क्यों महसूस हो रही है यार? ओहो अबू जी वो आपका हाल पूछ रही है यार, वो बोलती ऐसे है। अल्लाह माफ करे जी, यानी कि ये दिन देखने बाकी थे कि औलाद अपनी औरतों के हाथे अपने माँ प्यो की बिस्ती करा गए। अबू जी वो पड़ोसी मुल्क से है। पड़ोसी मुल्क? बेटा मैंने तुम्हारी इधर कभी पड़ोसियों की बेटी के साथ सेटिंग नहीं होने दी, उधर जाके तुमने पड़ोसी मुल्क के साथ सेटिंग कर ली। और तुम्हें पता नहीं उनके साथ हमारी बनती नहीं है? तो मैं यहाँ पे अमन कायम कर दूंगा ना। बेटा तू अदनान समी बेशरम बेहया, बेटे तुम्हारी इस हरकत पे मैं तुम्हें जायदाद से आग करता हूँ। नहीं अबू जी नहीं नहीं। ये नाइट जी एक मिनट, अबू जी कौन सी जायदाद? ओ बेटा जो तुम उधर पैसे सेव कर रहे हो तो तुम इधर लेके आओगे, इधर जब लेके आओगे तो यहाँ पे हम कोई जमीन शमीन खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे तो हमारी जायदाद बन जाएगी, जब जायदाद बन जाएगी तो उसमें से मैं तुम्हें आग कर दूंगा। खबरदार हूं मेरे नकल गलती दी दे। हेलो अबू जी। अच्छा बेटा यार वो मैंने बताना था कि इस महीने ना सर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया। ओके बाय। Oh my God, your family is so loving. I can't wait to get married.